हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एक साल से अधिक आप लोगों से इस चैनल पर चर्चा करता हूं, बातें करता हूं, खबरें देता हूं। इससे पहले कभी मुझे इतनी झिझक नहीं महसूस हुई है किसी भी वीडियो बनाने में। प्लस इससे पहले मैंने कभी इतना प्रिपरेशन नहीं किया। इनफैक्ट इस चैनल पर बातें करने के लिए मुझे कभी स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आज इस वीडियो बनाने में झिझक महसूस हुई है। ऐसे लग रहा है स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए, फिर लगता है नहीं, हमेशा की तरह से बिना ही बोल दूं। यहां तक कि कुछ घंटों पहले हमने इसी विषय पर एक वीडियो ऑलरेडी शूट कर दिया था, लेकिन फिर दिल नहीं माना और इसलिए उस वीडियो को स्क्रैप करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, जिस सेंसिटिविटी से हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसी सेंसिटिविटी से हम चाहेंगे आप इस वीडियो को देखें और जितना हो सके इसे फैलाएं, क्योंकि सच्चाई लोगों को जाननी चाहिए। लोगों का हक है कि वो सच्चाई जाने। आप समझ ही गए होंगे मैं किस विषय पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बारे में बहुत सी सच्चाइयां मेरे सामने आई हैं। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब इतनी सारी बातें मुझे पता चली एंड रिलायबल सोर्सेस से, जेन्युइन सोर्सेस से, यकीन मानिए मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। सुशांत सिंह राजपूत, मुझे कहने की जरूरत नहीं, एक बेहद ही अच्छे इंसान थे, एक बेहतरीन एक्टर थे। वो सुपरस्टारडम के थ्रेशोल्ड पर थे, ऐसे में उन्होंने आत्महत्या कर डाली। बहुत बहुत दुखद समाचार थे और अभी तक उनके अनगिनत फैंस न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस बीच में कुछ लोगों ने इतनी गलत शलत खबरें फैला दी इसी सुइसाइड को लेकर, और हमारे कई टेलीविजन न्यूज चैनल उन खबरों को इतनी हवा देने लगे कि वो झूठी खबरें अब सच्चाई बनने का इशारा कर रही है। कुछ मैं फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूं। सुशांत सिंह राजपूत जॉबलेस नहीं थे, जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है, जैसा कि ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, आप तक ये खबरें फैलाई जा रही है कि सुशांत वॉज जॉबलेस क्योंकि द इंडस्ट्रीज बिग डैडीज डिड नॉट वॉन्ट हिम टू वर्क। बड़े एक्टर्स उनसे डरते थे और इसलिए नहीं चाहते थे कि वो किसी भी फिल्म में काम करे, और इसलिए उनसे फिल्में छीनी जा रही थी। बिल्कुल गलत। सुशांत सिंह राजपूत हैड बीन फाइनलाइज फॉर एटलीस्ट 3 फिल्म, एंड माइंड यू उनके पास एक्टिंग ऑफर्स भरपूर थे, भरपूर, लेकिन उन्होंने 3 फिल्में साइन की थी। एक थी वाशु भगनानी की फिल्म जो रूमी जाफरी लिख रहे थे और डायरेक्ट करने वाले थे। ये फिल्म मार्च में सेट पर जाने वाली थी, लॉकडाउन हो गया इसलिए पोस्टपोन कर दी गई और ऐसा सोचा गया कि मई में सेट पर जाएगी। जब मई में भी लॉकडाउन लिफ्ट नहीं हुआ, तब सुशांत ने इस फिल्म के मेकर्स को फोन किया, क्योंकि उन्हें पता था जब भी लॉकडाउन लिफ्ट होगा, मई तक ये बातें आ गई थी कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में शूटिंग करनी पड़ेगी, और ये जो फिल्म है बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़े पैमाने पर बन रही थी, बड़े कैनवस की फिल्म थी, महंगी फिल्म थी। तो सुशांत ने ये प्रपोजल रखा कि क्यों ना हम इस फिल्म को थोड़ा पोस्टपोन कर दें, जब भी शूटिंग अलाउड होती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एटमोसफेयर में शूट करना पड़ेगा, क्यों ना हम एक छोटी फिल्म बनाते हैं, किसी स्टेज प्ले को फिल्म का रूप देते हैं, या किसी थ्रिलर को बनाते हैं, कोई सस्पेंस ड्रामा बनाते हैं। यस, ही वांटेड टू मेक 2 फिल्म्स विद द सेम प्रोड्यूसर। दूसरी फिल्म जिसके लिए वो फाइनलाइज हो चुके थे, वो डायरेक्ट करने वाले थे रसूल पुकुट्टी, ऑस्कर विनिंग रसूल पुकुट्टी, और ये फिल्म मलयालम फिल्म का रीमेक थी या होने वाली थी। तीसरी फिल्म संजय पूरन सिंह डायरेक्ट करने वाले थे। अब रसूल पुकुट्टी इज वन ऑफ द फ्यू इंडियंस हु हैज गॉटन ऑस्कर। अगर सुशांत सिंह राजपूत को उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो फिर क्या सच्चाई है इस बात में कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा था, उनके पास काम पहुंचने से पहले ही रोका जा रहा था। एक और बात, क्या आपने कभी गौर किया है, सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ काम किया था फिल्म पीके में। राजकुमार हिरानी इज नो ऑर्डिनरी डायरेक्टर, ही इज द बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया, बिगर देन करण जौहर, बिगर देन आदित्य चोपड़ा, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो भी फिल्में बनाई हैं, हिट,
हिट तो गलत है, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर सुपर ब्लॉकबस्टर रही है, चाहे वो पीके हो, थ्री इडियट्स हो, एनी एंड एवरी फिल्म ऑफ हिज वॉज अ ब्लॉकबस्टर। और पीके में सुशांत ने भी काम किया था। फिर आते हैं नितेश तिवारी की तरफ। नितेश तिवारी द डायरेक्टर ऑफ दंगल विच टिल टुडे रिमेन्स द हाइएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, दंगल का रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। और दंगल के डायरेक्टर के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया इन अ फिल्म कॉल्ड छिछोरे विच इटसेल्फ वाज सुपर हिट। साजिद नडियाडवाला की वो फिल्म थी। ही इज अनदर टॉप फिल्म मेकर ऑफ द कंट्री, टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री। करण जौहर की ड्राइव में उन्होंने काम किया। आदित्य चोपड़ा की शुद्ध देसी रोमांस एंड व्योमकेश बख्शी में भी वो नजर आए थे। ही वॉज द लीड प्लेयर। अब कौन सा सो कॉल्ड नेपोटिस्टिक स्टार, नेपोटिज्म का स्टार जो है, यानी स्टार किड, कौन सा स्टार किड है जो इन चारों डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका है? राजकुमार हिरानी, नितेश तिवारी, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, वरुण धवन नहीं, टाइगर श्रॉफ नहीं, श्रद्धा कपूर नहीं, आलिया भट्ट नहीं। फिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्हें सही काम करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। समझिए, प्लीज समझिए, फिल्म मेकिंग इज अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ द डे हर फिल्म मेकर फिल्म बनाता है ताकि वो फिल्म आप तक पहुंच सके और ताकि उस फिल्म को आप लोग हिट सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बनाए। जिस तरह एक स्टार को अच्छी स्टोरी की तलाश होती है, उसी तरह एक स्टोरी को अच्छे स्टार की तलाश होती है। सच बात तो यह है कि सुशांत को साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स बेताब थे। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे जो उनके साथ फिल्म बनाना चाहते थे क्योंकि सुशांत वाज वन ऑफ द फ्यू सेलेबल हीरोज हु कुड डिलीवर इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। बॉलीवुड में बहुत कम हीरोज और हीरोइंस हैं जो सेलेबल नाम है, जिनकी फिल्में देखने के लिए आप सब उत्सुक होते हैं, हम सब एक्साइटेड होते हैं, एंड सुशांत सिंह राजपूत वाज वन ऑफ देम। ये समझिए, फिल्म मेकिंग इज अ बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी प्रोड्यूसर एक अच्छे स्टार के साथ अपनी फिल्म बनाने की कोशिश करता है क्योंकि कोई फ्लॉप बनाने के लिए शुरुआत नहीं करता है। हर आदमी ये सोचता है कि मैं सुपरहिट बना रहा हूँ, एंड सुपरहिट बनाने के कई रिक्वायरमेंट्स हैं, एक बेहतरीन स्टोरी, एक बेहतरीन हीरो, वंडरफुल हीरोइन, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड सुशांत सिंह राजपूत वॉज वन ऑफ दोज। ये बात अलग है कि सुशांत खुद बहुत चूजी थे, बहुत सिलेक्टिव थे। It is very difficult at this stage of your career. He was on the threshold of stardom, superstardom. At this stage of your career, it is sometimes difficult to become so selective. लेकिन सुशांत में वो समझदारी थी, बहुत intelligent थे वो, और इसलिए वो बहुत selective थे। तो ये कहना कि उनके पास काम नहीं था, एक तो गलत है, और अगर कम काम था, it was out of choice, not pre-planned by the industry, by the so-called big daddies of the industry. तो सबसे पहले ये थ्योरी यही डिमोलिश हो जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत को आउटकास्ट ट्रीट किया गया, आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया, उनके पास काम नहीं था और इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर डाली। इट्स रॉन्ग। ही हैड प्लेंटी ऑफ वर्क एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्टार्स ऑफ आवर टाइम। सुशांत वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, वो डिप्रेशन के मरीज थे। डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, बाइपोलर, ये सब बातें हुई थी डॉक्टर्स के साथ। अल्टीमेटली वो क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे एंड बहुत हैवी डोज ऑफ मेडिकेशन उन पर चालू था। कभी कभी वो थक जाते थे, लाइक एनी अदर डिप्रेशन पेशेंट, वो थक जाते थे दवाइयों से, दवाइयां नहीं लेने की कोशिश करते थे, कभी कभी ऊब जाते थे। एंड आप सब जानते हैं डिप्रेशन पेशेंट के माइंड में कभी कभी उल्टे ख्याल भी आते हैं।